वैसे देखो आप सुपर बाइक वालों से एक सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, मगर जनता जानती होगी इस बात पर टेनर की एक खूबी वाली बात बता दो, फर्स्ट गियर में कितना जाती है ये 170 तो इट्स लाइक कि तुम बस पैसा देने के लिए बैठे हो इसमें चला रहे हो यहीं कहीं पे गाइस अंदर ड्रिप लगी हुई है यहाँ पे लगती आ रही है। अब सुपर बाइक दिखा रहे तो आवाज तो सुनाई दो। अरे क्यों नहीं, वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है सुपर बाइक वालों का नहीं है, वो फील नहीं है, कनेक्ट होता है ना, कनेक्ट एक बाइक से किक नहीं मिली, किक नहीं मिली शॉर्ट। और यश भाई खाली राइडिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं आता, फिर इनको पालने का एक्सपीरियंस भी आता है, क्योंकि इनके खर्चे बताओ एक बारी। गाइस वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग, आज सामने खड़ी हुई है कावासाकी ZX 10R और आज इसका करेंगे एक ओनरशिप रिव्यू। अभी हाल ही में भाई ने परचेज करी है, तो ये वाली 10R है, देखो ओल्ड वाली, मतलब अच्छी लगती है देखने में, जिसको कहते हैं ना रॉ पावर, वो वाली चीज़ है ये। और पीछे से टेल कुछ ऐसा है इसका, और फ्रंट सेक्शन आप लोगों को दिखाई दिया है मैंने। तो ये बाइक ऑन करते हैं हमारे साथ यश भाई, कैसे हो यश भाई? बढ़िया, मस्त मस्त, जोर से बोलना पड़ेगा आज, जैसे धीरे नहीं चलेगा, एकदम मस्त एकदम। देखो 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 10R लेके चौड़े हो रहे हैं। तो यश भाई सबसे पहले आप सबको ये बताओ कि आप करते क्या हो, मतलब जो बंदा 10R ऑन करता है लोग जानना चाहेंगे ना वो क्या करते हैं। एडवोकेट है, काम करते हैं थोड़ा एडवोकेट है, काम करते हैं थोड़ा पकड़ते हैं, थोड़ा ज्यादा पकड़ते हैं, किसी को फंसा देते हैं, किसी को उड़ा देते हैं, सारे काम कर लेते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं बाकी लिए कह रहे हैं कांटेक्ट। इन्होंने तो स्कीम बेच दी, बता रहा हूँ बीच की है, सही है, सॉर्टेड है। तो यश भाई अभी देखो ऑन करते हैं ZX 10R, कितना टाइम हो गया यश भाई लिए हुए? ये नवंबर में ली थी, नवंबर ऑलमोस्ट एक दो महीने है ना। और इससे पहले कौन सी बाइक थी? 675 तो डेटोना से भाई ने शिफ्ट करा है ZX 10R के ऊपर, तो डेटोना से मन भर गया था, मतलब बहुत चला ली, बहुत अच्छा चला ली, वो भी एक साल रखी है मैंने ऑन के लिए, एक साल में उसको पूरा अच्छे से अब वो देख लिया था भाई, वो संडे राइड में देखा था आपने उसे कैसे निचोड़ रखी थी उसकी पूरी, मतलब एंड तक उसको खींच दिया था पूरा। हाँ मतलब जितना उसका दम था सब कुछ टेस्ट आउट कर चुके थे, उतने पीछे पड़े एक व्लॉग में देखा होगा, वो मैं था संडे राइड में जब हम जा रहे थे, थ्रॉटल थ्रॉटल नोएडा, जब कुत्ते पीछे पड़ गए थे, सही कह रहे हो। अच्छा फिर मतलब आपको ये समझ में आया कि 10R स्विच करनी चाहिए, 1000cc जाने लीटर क्लास, तो कौन कौन सी बाइक देखी थी इसको लेने से पहले? इससे पहले देखी थी फायरब्लेड, फायरब्लेड सी भी यार भूसा भी चेक की थी, ठीक है, समझ नहीं आया, मज़ा नहीं आया चला के। तो फिर यही क्यों, मतलब ये मतलब देखते ही होता ना एक लव एट फर्स्ट साइड हो जाना कि हाँ, और चलाना उसका पावर फील करना कि हाँ लीटर, एक लीटर क्लास और 600cc की सेगमेंट में कितना फर्क है, वो दिख गया था। अच्छा अच्छा हाँ वो तो है, नोटिसेबल डिफरेंस है, प्लस इसकी हैंडलिंग बड़ी प्यारी है, बहुत निम्बल है, बहुत लाइट है, ये बात तो सही कह रहे हो, लाइट तो बहुत ही ज्यादा है। डेटोना की हैंडलिंग बड़ी स्टिफ थी, लाइक उसका हैंडल बहुत छोटा था, रेडियस टर्निंग रेडियस बड़ा कम था, और वो थोड़ी एग्रेसिव भी शायद इससे ज्यादा थी, उससे ज्यादा नीचे झुकी हुई थी और काफी मतलब हाथ पैर डर होते थे उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें चला के लगता है मजा आ रहा है, ये बात तो सही कह रहा हूँ, मजा आ रहा है। और ना ये जब इसे चलाओ बहुत लाइट वेट फील होती है, बहुत लाइट, देखो मैंने तो कल फर्स्ट टाइम चला के देखी ना, तो मतलब बहुत लाइट वेट फील होती है, बहुत लाइट है, ऐसा फील नहीं कराती कि आप 1000cc चला रहे हो। वीडियो देखी होगी आप लोगों ने रील्स में कि वो एक हाथ आता है, हाथ निकलता है, मर्ज हो जाते दोनों एक साथ, तो इसका यही है कि मर्ज हो जाओ एक साथ, चलती वैसी है, चलती रहती है, जहाँ लीन करनी है वहाँ लीन, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बहुत प्यारी है चलने में। और प्लस फिर चलो वो सारी बात ठीक है, मगर यश भाई होंडा क्यों नहीं ली, मतलब CBR फायरब्लेड बहुत ज्यादा बल्की थी, बहुत ज्यादा ब्रॉड थी, हैवी भी लगी कहीं ना कहीं मेरे को। और फिर कहीं ना कहीं एक चीज ये भी हो सकती है दिमाग में कि होंडा का इतना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं जितना कावासाकी का है, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड वाइड ही बहुत बेस्ट है, वर्ल्ड वाइड भी, और इंडिया में पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है, और फायरब्लेड का ये भी है कि वाइब्रेशन बहुत है, वाइब्रेशन ज्यादा है, क्योंकि देखो हम तो अभी सुपर बाइक की कैटेगरी में इतना नॉलेज नहीं है, मगर जितनी आपको है तो वही चीज, मैंने 650 चलाई है CBR, ठीक है, भी चला के देखी है, वाइब्रेशन बहुत है, बट मजा नहीं आया, वो फील नहीं है, एक कनेक्ट होता है ना कि कनेक्ट एक बाइक से हो, किक नहीं मिली, किक नहीं मिली शॉट, हां होती नहीं इन बाइक्स में, हां किक सही होती है वैसे तो होती नहीं इन बाइक्स में, किक सही होती है, सही कह रहे हो, तो इसमें किक मिल गई। अच्छा आपको इसमें 10R में किक मिल गई, और बाकी देखो यार लुक वाइज काफी ज्यादा सही लगती है, और ये वाली जो टेल का डिजाइन है काफी लोगों ने देखा भी होगा या नहीं देखा होगा, पुराना है ये, भाई ने देखो ओल्ड वाली लेने का रीजन यही था, भाई को रॉ पावर चाहिए थी एकदम, है ना, बिल्कुल रो, बिल्कुल रो थी डेटोना भी, बिल्कुल रो थी, और ये भी रो है, तो मेरे को रो बाइक से मजा आता है, अगर मैं नेक्स्ट स्विच भी करना चाहूँ तो रो बाइक से फिर R1 पे जाऊंगा, R1 क्योंकि रो चाहिए मेरे को। और फिर भाई और फिर एक चीज और है, इनके यश भाई का जो पैर है ना इसके अंदर इनबिल्ट ऑटो ब्लीपर है, भाई ये जब भी डाउन शिफ्ट करते हैं ऑटो ब्लीपर करता है, सेम वैसे क्लिप डल जाएगी उसमें देख सकते हो ऑटो ब्लीपर की आवाज आ रही है यार, वो शायद मैंने ना यश भाई शॉर्ट वगैरह पर डाल रखी होगी, मे बी जहाँ तक है मेरे पास भी है, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा कितने BHP जनरेट करती है ये? 200 होगी, 200 तो
और भाई इसके अंदर एक चीज बहुत बढ़िया है ZX10R में, इसमें ना टाइटेनियम हेडर्स कंपनी से ही आते हैं, तो ये टाइटेनियम ही है इसके अंदर भी। सही है, मस्त। बाकी फुल सिस्टम यार लगवा रखा है, फुल सिस्टम सब कुछ है। अब सुपर बाइक दिखा रहे, तो आवाज तो सुनाई दो। अरे क्यों नहीं, वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सुपर बाइक वालों का। लो भाई सुनो, एक चीज तो है यश भाई, चाहे वो डेटोना थी चाहे वो ये था, दोनों में AR मगर AR ही किस्मत में है। मगर ये है कि भाई साउंड बहुत अच्छा आता है ना। हाँ, साउंड बहुत प्यारा। मुझे इस... लगता है। इसमें AR में मुझे एक चीज और बढ़िया लगती है, इसको नॉर्मल आइडल स्टार्ट रखो, कोई शायद से जल्दी से इतनी जल्दी पुलिस वाला भी नहीं पकड़ेगा, बहुत ज्यादा शोर नहीं करती, यही होना भी चाहिए, यही बेस्ट रहता है, क्योंकि दिल्ली के माहौल में तो हर कोई रोक ही रहा है आजकल। और चलाते हुए इरिटेट करती है साउंड? नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना ज्यादा लाउड हो तो कानों में लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सीधी करती थी कहीं ना कहीं, ये नहीं करती। डेटोना तो भाई बहुत ही, मतलब वो तो एक्सट्रीम लाउड थी, वो तो लिटरली वो तो बहुत एक्सट्रीम लाउड थी। इसमें लोगों को मजा आता है, लाइक कई बार इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट क्या, कल भी हुआ है आज भी हुआ है, लोग आए फोटो खिंचवाए साउंड सुनने के लिए, रुके हुए स्पेशली, खा भी रहते हैं लोग, रुके हैं आके साउंड सुना दो, ऐसा तो सही है, क्रेज है, क्रेज के ऊपर हम भी चल रहे हैं। वैसे देखो अब सुपर बाइक वालों से एक सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, मगर जनता जानती होगी। माइलेज मत पूछो। वैसे 17 लीटर की टंकी होगी इसके अंदर, मैं भी जहाँ तक 17 लीटर आती है, बाकी क्रॉस चेक कर लेंगे एक बारी गूगल पे कर लेंगे। देखो चलाने वाले को चलाने से मतलब होता है, टेक्निकल चीजों में बिल्कुल नहीं जाता, मुझे चलाने से मतलब है। सही है, चाहे दे चाहे माइलेज ना दे, फिर भी एक रफ आइडिया। रफ आइडिया तो लाइक फुल टैंक में मैंने इसको 120-130 किलोमीटर चलाया है। फुल टैंक में ये तो खून पी रही है, पेट्रोल नहीं पी रही, खून लीच लगी है, ये जा रही है, यही कहीं पे गाय अंदर ड्रिप लगी हुई है, यहाँ पे लगती आ रही है, खून देना पड़ता है, खून लेना पड़ता है, लगती चली आ रही है। बाकी अच्छा यश भाई, चलो ओवरऑल इस बाइक के कुछ ऐसे बताओ कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे से काफ़ी लोग कहते हैं प्रीत भाई सुपर बाइक ले लो, सुपर बाइक ले लो, ठीक है, मैं भी सोचता हूँ कि हाँ ले सकते हैं, मैं जैसे 400 चलाता हूँ वो ड्यूक वगैरह, क्या उससे बंदे को लीटर क्लास पे स्विच करना चाहिए या बीच में एक 800-900 सीसी चलानी चाहिए पहले? एकदम लीटर क्लास पे स्विच मत करो, नहीं करना चाहिए, एकदम से वो ज़्यादा पावर फील होगी ना तो घुसने के चांस बनेंगे, रेकलेस हो जाते हैं, केयरफुल नहीं रहते फिर ज्यादा। एग्जैक्टली, कि ज्यादा पावर आ गई तो खींचो। और फिर एक होता है ना कि मेरे को नई बाइक मिली है तो मैं खींचता हूँ उसका फुल कैपेसिटी चेक करता हूँ, फुल एंड तक चेक करता हूँ कहाँ तक जा रही है। करेक्ट, तो वो एक रिस्की हो जाता है कि अगर तुमसे कंट्रोल नहीं हुई बाई चांस क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर एंड में ब्रेकिंग काम नहीं आती वहाँ पे, तो फिर वो स्किल्स काम आते हैं जो बंदे को छोटी सी चीज़ की चला के एक्सपीरियंस होगा। कई बार लोग आ जाते हैं एकदम से, तो अगर एक्सपीरियंस अच्छा है लीटर क्लास बाइक का फिर सुपर बाइक का, तो यू कैन टैकल इट इजीली। ओके, जहाँ किस्मत ने साथ दिया दिया, नहीं दिया वहाँ तो क्या तुम गए। तो इट मींस अगर बंदा जैसे मान लो जैसे R15 टाइप की बाइक से कोई बंदा सुपर बाइक पे जाना चाहता हो तो बिल्कुल गलत है, 600 सीसी पे जाओ या फिर 800-900 पे जाओ, उसके ऊपर मत जाओ। अच्छा, उसके बाद स्विच करो, एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और लेके कि हाँ कैसे चलना है, कैसे साल डेढ़ साल चला के चीजों को, और खाली 6 महीने भी, साल डेढ़ साल भी नहीं कह सकते। और यश भाई खाली राइडिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं आता, फिर इनको पालने का एक्सपीरियंस भी आता है, क्योंकि इनके खर्चे बताओ एक बारी। देखो मेन चीज तो सर्विसिंग सबसे ज्यादा खर्चा तो वही है, कितने की होती होगी लगभग 12-13 हज़ार खर्चा था सर्विसिंग का, इंक्लूडिंग द लेबर कॉस्ट, मोटा मोटा 15 हज़ार रुपये सर्विस में जाने। ये सिर्फ सर्विस का है, इसमें क्या क्या होता है, आपकी थर्ड बॉडी क्लीन होती है, और चेन ल्यूब होती है, ब्रेक पैड चेक होती है, इंजन ऑयल चेंज होता है, इंजन ऑयल चेंज होता है, ठीक है, प्लस एयर फिल्टर साफ होता है और कूलेंट डलता है, ठीक है, इतने पैसों में सिर्फ ये काम होता है, बाकी अगर एडिशनली कुछ भी लगना है तो उसको ऊपर से अलग से पे करना है। फिर आपके ब्रेक पैड्स है दोनों आगे के, एक पीछे का, उनकी कॉस्टिंग अलग अलग है, 5,000 से शुरू है, 4,000 शुरू है, जैसे अगर पॉकेट अलाउ करते हैं लगवा लो, जितना अच्छा ब्रेक पैड होगा उतनी अच्छी बाइट मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट खर्चा आता है टायर्स का, टायर्स हाँ सुपर डुपर एक्सपेंसिव, और बाकी अगर कुछ नॉर्मल फॉल्ट आ जाए तो उसका खर्चा तो अलग है, तो इट्स लाइक कि तुम बस पैसा देने के लिए बैठे हो, चला रहे हो, लेकिन वर्स्ट का कर रहा है जब तुम्हें रिएक्शन मिलते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं। एग्जैक्टली, और दूसरा अपना जैसे मान लो चलाने का मन कर रहा है तो एक जो सेटिस्फेक्शन देती है भाई, सही है, तुम्हारे पास कुछ है, तुमने ओन किया, तुम चला रहे हो कुछ, और फील कर सकता है। और जैसे ये टायर्स हैं यश भाई, क्या लगता है कितनी लाइफ रहती होगी इन टायर्स की, कुछ आइडिया है? मुश्किल से 8,000 किलोमीटर, 8,000 चाहे हार्ड एंड फास्ट चलाओ चाहे कैसे चलाओ, मैक्सिमम 8,000। और सर्विस का इंटरवल कितना रहता है, 10,000 किलोमीटर या कम? 8,000 किलोमीटर भी कहते हैं, 8,000 पे करा लो दोनों, टायर्स भी और सर्विस भी, 8,000 से पहले करा लो सर्विस तो बेटर रहता है, बाइक अगर ज़्यादा चल रही है तो करा लो, अगर खड़ी हुई है तो मिड में करा लो। मतलब ऐसा भी, ऐसा नहीं करा सकते जैसे मान लो कि ये बाइक है बंदे ने ओन करी, प्राइमरी बाइक नहीं सेकेंडरी बाइक है, संडे संडे पे चलाता है वो, तो क्या उस टाइम पे वो बंदा 6 महीने में करा ले? हाँ
है ना हाँ। रनिंग के ऊपर तो करानी चाहिए साल भर में तो देखो जरूरी है, जरूरी है। या फिर छह रेगुलर चल रही है तो छह महीने में करा लो हाँ। या फिर किलोमीटर के हिसाब से करा लो, लेट चल रही है तो छह के आठ महीने कर लो। इसके अलावा ऑप्शन है नहीं, सर्विस तो करवानी पड़ेगी, सर्विस चलाओ या मत चलाओ। अगर सांस डाल लिए ना इसके अंदर हाँ देख रेख तो करनी पड़ेगी। अच्छा जैसे इसके अंदर ये भाई देखो ये इसका आता है, ये स्टीयरिंग डैम्पर आता है ओलिंस का, तो ये यश भाई अभी तक कभी इसकी जरूरत महसूस हुई है? वोवल होता है हैंडल लाइक अगर हाई आरपीएम पे जा रहे हो बहुत हाई हो, पहले गियर पे खींच रहे हो फुल पावर पूरी चेक करने के लिए तक जा रही है, इधर स्विच करते हो ना गियर सपोज अपने इंडिया के रोड्स का पता ही है उठ जाती है आगे से, ऊपर नीचे रोड्स है अनइवन रोड्स है बल्कि से उठ जाती है, ऐसे नीचे आती है तो ऐसे एकदम वॉबल नहीं करता। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बेटर होता है कि टाइम स्लैपर नहीं होता है, टाइम स्लैपर नहीं आता है तो ये मतलब बचाता है ओवरऑल कुल मिला के बात ये है। पूरा हैंडल कंट्रोल रहता है तुम्हारे कंट्रोल में, अगर टैंक ये नहीं होगा मेरी डेटोना में भी यही था हाँ। डेटोना में अंदर लगा हुआ था, नीचे की साइड लगा था हाँ, अंदर की साइड था इधर की हाँ। इस पे फ्रंट में लगा हुआ, तो ये बहुत ही एक एसेंशियल चीज है इंडियन रोड्स में, स्पेशली चाहिए जरूरी चीज है बहुत ज्यादा। और इसी बात में ये नहीं होगा ना तो हैंडल जाएगा कहीं भी। इसी बात पे टेनर की एक खूबी वाली बात बता दो, फर्स्ट गियर में कितना जाती है ये 170 चली जाती है, ये सीबी एडिशन है जापान से डायरेक्ट टूक के आई है पूरी। अच्छा 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 अच्छा, इंडिया में कुछ नहीं टच हुआ इसमें, ठीक एग्जॉस्ट वगैरह कह सकते हैं बट बाकी ओके ओके, पूरी असेंबल जो हुई है ना इसी वजह से रॉ पावर डिलीवर करती है ये। एग्जैक्टली गाइस देख रहे हो, ड्यूक का मैं पूरी जान भी लगा दूंगा, छठे गियर में टकिन हो जाऊंगा तब 170 जाएगी। पहला गियर ही काफी है यार, इसका मीटर दिखाओ ना यार यश भाई, इसका मीटर वन ऑफ द माय फेवरेट मीटर में से एक है। 10R का मीटर बहुत सुंदर लगता है, पहले ऐसे जैसे जैसे इसकी ये लाइट ऊपर जाती है वैसे वैसे एड्रेनलिन रश आता है अंदर से, बहुत 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 दिख रहा होता है कि हाँ जा रही है जा रही है, पर इसमें क्या है कि अगर तुम चलाते जाओगे ना ये लेती ही जाएगी। ये चीज सही कह रहे हो, ये मतलब थ्रॉटल लेती ही जाती है, यूं नहीं कहती कि गियर चेंज करो छोड़ो उमर को या रख दो या रहने दो, नहीं ये कहती लेके चलो मैं भी साथ चल रही हूं घूमने। फर्स्ट गियर में 170 बहुत होती है यार, बहुत है। अच्छा जैसे एग्रेसिव बाइक है, आप ये बताओ कि मतलब डराती है बाइक मतलब थ्रॉटल करने पे? नहीं डराती, डराती थी। अच्छा ये नहीं डराती, चलो ये तो एक बढ़िया चीज़ है, मतलब ओवरऑल 10R की ये चीज़ बढ़िया। अच्छा न्यू वाली 10R कैसी लगती है? मेरे को पसंद नहीं आई सबसे जो करंट लेटेस्ट आ रही है वो वाली, इसका हेडर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता उसका फ्रंट, मुझे हनीकॉम वाली है ये वाली अच्छी लगती है। जैसे कि पहले ही बताया मेरे को बिल्कुल रॉ बाइक चाहिए, रौ, रौ, रौ। मेरे को ये नहीं चाहिए कि कट मार रही है या ये कर रही है, अपनी जीन ओसो भी आ रही है। हाँ वही मैं कह रहा था, आवाज़ आ रही है, देखो भाई 900 भी आ गई, वो आ गई नजर आ रही होगी, समझ भाई आ गए हमारे, इसे दिख नहीं रहे अभी हम। अच्छा 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 देखो गाइस नेविगेटर देखो कितने खड़े हैं, नीतू वहाँ नेविगेट कर रहा है, आधे यहाँ नेविगेट कर रहे हैं, कुछ यहाँ नेविगेट कर रहे हैं, चलो जी 900 भी आ रही है हाँ। जी 900 छोटी बहन आ गई, छोटी बहन आ गई, तो मतलब जैसे किसी को अगर जैसे मान लो थोड़ा एक्सपीरियंस करना है तो 900 टाइप की बाइक है ऑन कर सकते हैं, बेस्ट है क्योंकि उसमें पहले गियर में वो इतना नहीं जा सकती जितना ये जा सकती, और प्लस उसका कहीं ना कहीं खर्चा भी इससे कम ही होगा। चलो ये देखो, ये देखो गाइस देख रहे हो, देख रहे हो, ये देख रहे हो ऑफ रोड कर रहा है ये आदमी खड़े होके। तो मतलब यश भाई एक बात बताओ, कुछ इसके नेगेटिव्स लगते हैं? नेगेटिव्स तो इसको मेरे को अभी तक कुछ लगा ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं क्योंकि ये बाइक कंप्लीट पैकेज है हाँ। नेगेटिव तो कुछ कह नहीं सकते हाँ, छोटी मोटी चीजें कह सकते होंगे नेगेटिव जिनको लगती होगी, जैसे नेगेटिव है कि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत कम है ये हाँ। ये मैं अभी पूछता आपसे, अगर आप नहीं बताते ना, एक नेगेटिव पॉइंट ये है, और प्लस इसमें एक क्या है कि अगर मैं इसके मिरर्स बंद कर दूंगा इस वाले मॉडल के ये तो चीज मैंने कल देखी थी, हैंडल टच होता है, हैंडल कहीं ना कहीं टच होते हैं ये चीज हाँ, ये जो या तो मेरे को इसके मिरर रिमूव करने पड़ेंगे, पर रिमूव करके फिर साइड नहीं दिखेगी बिल्कुल भी, मजा नहीं आएगा। एग्जैक्टली तो एक ये डिफेक्ट है, दूसरा दो कमी ये कह सकते हैं बस, बाकी सब ठीक है हाँ। ऑटो ब्लीपर नहीं है हाँ, क्विक शिफ्टर आता है, ऑटो ब्लीपर नहीं आता है, गियर अप होते जाएंगे मगर डाउन नहीं होते, डाउन के लिए फिर ब्रेक लगा, डाउन के लिए तो वो है ना मैन्युफैक्चरिंग ये हो रखी है, वो इनबिल्ट है, वो इनबिल्ट है हाँ ठीक है, दबाओ हल्की रेस दो गियर डाउन करो। पर यश भाई आपकी वाली इस वाली बाइक का या इस मॉडल का क्या सीन है, थोड़े देखो ब्रेक्स इसके कम है, मतलब ये क्या है, ये अपग्रेड हो सकते हैं या फिर मतलब पर्टिकुलर इस अपग्रेड कर सकते हैं बाद में, बट चलती ज्यादा ना तो ब्रेक्स कम हो जाते हैं, इसके लगता है मेरे को ब्रेक्स खत्म होने वाले, तो चेंज कराने पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं ब्रेकिंग कैसी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, रिव्यू में बाद में बताऊंगा हाँ। बट अभी फिलहाल इसके लीवर्स स्टॉक ही है, तो ये लीवर्स चेंज करने हैं, इसके ग्रिप चेंज करनी है, परफॉर्मेंस वाले लगाओगे हाँ। वैसे ये मस्त लगते हैं इसके अंदर, मतलब जितनी भी ऐसी बाइक्स होती है ना बड़ी बाइक है उनके अंदर ये साइड में लीवर प्रोटेक्टर, अगर हल्की सी भी कहीं गिरे तो लीवर हट जाता है, लीवर का खर्चा ज्यादा अच्छा आता है, ये तो लग भी जाते हैं। चलो हाँ है कॉस्टली बट हाँ लग जाते हैं। चलो हाँ ये तो पूरा ही है, पूरी बाइक अगर कॉस्टली देखे तो ये भी बहुत कॉस्टली है, ये भी बहुत कॉस्टली है, ये भी बहुत कॉस्टली, सस्ता कुछ नहीं है इनमें हाँ, ये बात सच कह रहे हो आप एकदम। तो देख लो भाई ओवरऑल ऐसी बाइक है, बाकी यार यश भाई तो ऐसे फुल पावर चलाते हैं, अभी संडे राइड पे, अभी इस वाली बाइक के साथ मैं नहीं गया आपके साथ संडे राइड पे, अभी संडे बंद कर रखे हैं, सर्दी है अभी, हम थोड़े अभी बहुत है ठंडे पड़े हैं अभी हम
जल्दी संडे राइड करेंगे हाँ। इसका फिर दिखाते हैं प्रॉपर डेटोना, तो थोड़ी बहुत डेटोना तो थोड़ी बहुत आसपास चल भी लेता था मैं ड्यूक से, अब ना हो पाएगा तो मुश्किल क्या, चल लेंगे हम, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सह लेंगे हम, थोड़ा सम्मान कर लेंगे, कर लेना। अब ये मैं तारीफ समझो, बेइज्जती तारीफ है ये, सही है। चलो ठीक है भाई, फिर ऐसा एक डिटेल्ड रिव्यू बनाया जिसके अंदर थोड़ा मतलब मजाक भी रहा, बाइक के बारे में भी बताया। अच्छा एक बार यश भाई चाबी ऑन करो, इसमें देखो DRL कितनी मस्त जगह पे दी हुई है इन लोगों ने, ये मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है। रात में ना यहाँ पूरा रिफ्लेक्शन आता है इसमें, जब लाइट ऑन होती है ना दिन में इतना समझ नहीं आ रहा, और ये हाँ यहाँ पे दिन में इतना समझ में नहीं आ रहा, मतलब रात में तो मस्त रिफ्लेक्शन आता है इसका पूरे नीचे की साइड। कर दो सर बंद कर दो, ये है ओवरऑल कावासाकी ZX10R जो हमारी ड्रीम बाइक थी, तो हमने ले भी ली। अब नया ड्रीम, अब हम नया ड्रीम बनाएंगे, दोनों ट्रैक बाइक ली, अब नया कुछ आएगा हाँ। नया कुछ सोचेंगे करेंगे, तो फिर स्विच करेंगे, फिर देखेंगे कुछ नई बाइक के साथ। साल दो साल रखोगे से नहीं, देखते हैं ये भी कंफर्म नहीं है, सस्पेंस। चलो फिर ठीक है भाई यश भाई, थैंक यू आपने सारी डिटेल सबके साथ शेयर करी, और थैंक यू फॉर मेकिंग दिस, ये चीज मुझे बोलनी चाहिए। प्रीत भाई वन एंड ओनली प्रीत भाई, लाइक करना सारे प्रीत भाई को, भाई प्रीत भाई की कमेंट्री बहुत अच्छी है, वेरी गंदा गंदा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत, और ऐसी ZX10R।